दोस्तों अगर आपका फ़ोन में बार बार पॉपअप आती होगी पासवर्ड हैज एक्सपायर प्लीज़ लॉगिन अगेन, ये मैसेज आपके फ़ोन में बार बार आती होगी, एक बार आते होंगे बट उसको आप इग्नोर करते होंगे, बट फिर भी 5 से 10 मिनट के बाद फिर से आपके पास ये मैसेज आते होंगे, आपका जीमेल में आते होंगे ये मैसेज बार बार आते होंगे पासवर्ड हैज एक्सपायर प्लीज़ लॉगिन अगेन। गाइज आप लोग डर जाते होंगे यार मेरा मोबाइल हैक हो गया या फिर मेरा पासवर्ड हैक हो गया या फिर मेरा जीमेल आईडी हैक हो चुका है, क्या मैसेज आ रही है पॉपअप, तो आप लोग को डरना नहीं है, ठीक है गाइज डरना नहीं है, क्योंकि यार ये मैसेज एक तरह से ये नॉर्मल है, ये मैसेज क्यों आता है या फिर इसका रीज़न क्या है सो इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये भी सॉल्व करके भी बताऊँगा, ठीक है गाइज आपको डरना नहीं है कि यार मेरा मोबाइल हैक हो गया ये हो गया, आपको डरना नहीं है, आप लोग सिर्फ एक छोटा सा कॉमेंट कर दो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ दूसरा प्रॉब्लम आ रही है, वो आप प्रॉब्लम का कमेंट कर दो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपका अगर यही प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है तो इसके लिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखो। ये प्रॉब्लम जब आती है जब अपना जीमेल का पासवर्ड चेंज करते हैं किसी दूसरे ब्राउज़र, हो सकता है आप यूसी ब्राउज़र या फिर क्रोम में कहीं भी आप अगर पासवर्ड को चेंज करते हैं और अपना जीमेल में उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपका ये मैसेज आएगा, ठीक है ये मैसेज बार बार आएगा, क्योंकि यार देखो क्योंकि ईमेल में तो पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो आपका क्रोम में चेंज हुआ आने की जहां भी चेंज हुआ वहां, तो आपको क्या करना है अपना जहां पर आपका ये मैसेज आ रही है जीमेल में ईमेल में तो आपको ईमेल में आना है और आपको लॉग आउट करना है उसको और फिर से आपको रिप्लेस करना है जो न्यू पासवर्ड बनाया है उसको डालना है। तो गाइस मैं चलिए अपना मैं चलता हूँ ईमेल में किस तरह करना है सो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको ईमेल में आना है, ईमेल में आते ही आपको यहाँ पर लोकल का ऑप्शन मिलेगा, इस लोकल का ऑप्शन में क्लिक करना है, मेरा ये जीमेल है techguruRahul768 जो कि मेरा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको आपको सिंपली से लॉग आउट कर देना है, लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है फिर से वही जीमेल को यहाँ पर डालना है, तो मैं यहाँ पर जीमेल पासवर्ड डालता हूँ, जो न्यू पासवर्ड बनाया था जो मैं चेंज किया था वो भी पासवर्ड यहाँ पर डालूँगा न्यू पासवर्ड, तो डाल के मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर डाल दिया है जीमेल और यहाँ पर सिंपली सबको नेक्स्ट करना है, आप जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट करोगे आपके पास कुछ कनेक्टिंग सर्वर लेगा, कनेक्टिंग सर्वर्स लेते ही आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर फिर से आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है ईमेल एड्रेस का पासवर्ड जो है उसको आपको फिल करना है, तो मैं फिल करता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर पासवर्ड भी फिल कर दिया है, आपको यहाँ पर क्या करना है सिंपली से नेक्स्ट कर देना है, जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगी और यहाँ पर आपको क्या करना है सो बताऊँगा, थोड़ा सा मेरा प्रोसेसिंग ले रही है, यहाँ पर मेरा ये आ गया, यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, अलाउ करने के बाद गाइज़ यहाँ पर देखिए आपके पास ये लॉगिन लेगी, लॉगिन करने के बाद ये आपका फ़ोन में कन्वर्ट हो जाएगी और जो न्यू पासवर्ड है ये आपका जीमेल में अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे आपका क्या होगा आपका जीमेल में अगर पासवर्ड चेंज भी करोगे और यहाँ का जो भी पासवर्ड एक्सपायर का प्रॉब्लम मैसेज आ रही थी वो नहीं आएगी, क्योंकि यार देखो रिप्लेस करना यहाँ पर आपको सिंपली से डन करना, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर आपको डन कर दोगे, जैसे आप डन कर दोगे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही थी आप नोटिस करना 20 मिनट के बाद आपके पास वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके पास न्यू जो भी मैसेज आपका आया होगा जीमेल के थ्रू से अब सब आना स्टार्ट हो जाएगा जो भी रुका हुआ था और आपका ये ईमेल एड्रेस चालू हो चुका है, ठीक है गाइस आपको 20 मिनट के बाद आप नोटिस करना जो मैसेज आ रही थी पासवर्ड हैज एक्सपायर वो मैसेज आपके पास अब नहीं आएगी। अब ये प्रॉब्लम कौन सा मोबाइल के पास हो सकती है, ये प्रॉब्लम आपके वीवो ओप्पो रियलमी और कोई कोई और भी मोबाइल में हो सकती है, बट ये वीवो में और ओप्पो में खास करके होती है ये प्रॉब्लम, तो इससे आपको डरना नहीं है, आपको सिंपली जो स्टेप मैंने बताया उस स्टेप को फॉलो करना है, आसान से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला यार प्लीज़ लाइक करना और यदि चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो सलामत रहो अपना बहुत ख्याल रखो।